strangest thing. It's shorter than you think. No think. सब अब मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश और सबसे पहले आके एंजॉय कर रहा हूं गंगा जी की साइड पे एक कप कॉफी का। गाइस मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, ये कैंपिंग का सीज़न नहीं है यार। हम यहां पे कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है और उमस तो ओ हो बहुत ज़्यादा उमस है यहाँ पे। वो देखिए मेरे पीछे नया ब्रिज बनाए। और मैं अपनी टीम में सबसे पहले पहुंच चुका हूं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ और मेरी ड्यूटी लगी है कि जाके मैं साइट देखूं कहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। तो ये जो सामने आप नज़र आ रहा है, जो आपको ये बीच, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच लग रहा है मेरे को दूसरी साइड से गंगा जी के। हम वहाँ ऊपर कहीं पर कैंप कर सकते हैं रात को और खाना भी वहीं पर बैठ के पूरा सेटअप यहीं पर लग सकता है हमारा। और अभी आ चुका हूँ मैं गाड़ी को घुमा के गंगा जी की दूसरी साइड पे और बिल्कुल सीधी उतराई उतर रही है यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन पे जो हम घाट देख रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे एक दो मंदिर बने हुए, एक दो आश्रम बने हुए हैं। हमें नीचे जाके सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई अगर हमें परमिशन देता है तो ही हम वहाँ पर अपना सेटअप कर सकते हैं, बिना किसी की परमिशन के यूँ ही हम नहीं घुस सकते। तो पहले मैं अंदर जाता हूँ गाड़ी खड़ी करके, उनसे परमिशन मांगते हैं, देखते हैं क्या आगे का सीन। तो गाइस यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट हो चुकी है रिजेक्ट क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बड़े डॉग हैं जो कि मेरे डॉग्स के साथ फाइट कर सकते हैं, यहाँ पे पंगा हो सकता है और सारा हमारा पीस भंग हो सकता है, इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुका एक दूसरी साइड पे जहाँ का व्यू पहली जगह से भी बहुत ब्यूटीफुल है। पहला सीन थोड़ा सा पीसफुल था बट ये इसकी अलग ही वाइब है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और पानी देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पानी है यहाँ पे, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। बट इस जगह पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल बीच बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और यहाँ का व्यू जो इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ आप बैठ के ऐसा लग रहा है यार आप किसी और ही दुनिया में हो यार। और ये देखिए, वाह।